हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सस्ते से सस्ता सैनिटाइजर स्प्रे मशीन कैसे बनाए गाइस, वो भी 1000 रुपए में। आप घर पे बनाते हो वो तो आपको 1000 रुपए में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन आप बना सकते हो। दुनिया की सबसे सस्ती 1000 रुपए में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन आप कैसे घर पे बनवा सकते हो। अगर आप खरीदते हो तो आपको महंगी जाएंगे, ये पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये जो सैनिटाइजर स्प्रे मशीन है ये विदाउट सेंसर है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें सैनिटाइजर स्प्रे मशीन को हम सेंसर लगाएंगे। वो सेंसर इतना सस्ता है गाइस, वो आप 50 रुपए में आप लगा सकते हो। वो इतना आसान है लगाना कि 5-10 साल का बच्चा भी उसे लगा सकता है, बहुत ही आसान है। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं सैनिटाइजर स्प्रे मशीन कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीवीसी पाइप चाहिए एक, को जितनी हाइट रखनी है वो हिसाब से आपको जितना फीट लगेगा वो मार्किंग करके कट कर लेना है। तो मैंने 7 फीट लिया है और उसे मार्किंग करके उसे कट कर लेना है। ये देखिए 7 फीट लिया है और इसे मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। सेम साइज़ के 2 पाइप कट करना है 7 फीट के, और उसके बाद 3 फीट के जो पाइप है वो भी आपको 3 कट करने हैं, और 1.5 फीट के जो पाइप है उसको भी आपको 4 पाइप कट करना है। तो देखिए 3 फीट के 3 पाइप कट हो गए, और वो 2 फीट और 2 जो पाइप दिख रहे हैं वो 7 फीट के गाइस। और इसमें से अब ये आप देख सकते हैं 1.5 फीट के ये 4 पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे पाइप के 9 टुकड़े हो जाएंगे हमारे। तो अभी 1/2 इंच के हमें एल्बो चाहिए, जो कि एल्बो 6 पीस लगेंगे और टी जो है वो 2 पीस लगेंगे। अभी एक टी को 1.5 फीट का जो पाइप है उसके सेंटर में लगाना है गाइस, और जो दूसरा 1.5 फीट का था उसको भी दूसरे साइड से लगा देना है। ऐसे ही सेम 2 पीस बनाना है, 1 पीस तो रेडी है, दूसरा भी बना लेंगे। देखिए गाइस दूसरा भी बन गया। अभी जो एल्बो है उसे लगाना है गाइस साइड से, देख सकते हैं आप, इस तरह आपको लगाना है। जो हमारा टी है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, दोनों साइड से एल्बो लगाना है। सेम ऐसे ही दो बनाने, देख सकते हैं 2 बना दिए। जो हमारा 3 फीट का पाइप था उसे यहाँ पे कनेक्ट करना है, दोनों साइड से अच्छे से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो हो गया, ये भी देख सकते हैं आप, कर दिया गाइस ये कनेक्ट, देखिए। और उसके बाद जो है आपको जो 7 फीट का हमारा पाइप है उसे भी एल्बो लगाना है ऊपर से, दोनों साइड से एल्बो लगा कर जो 3 फीट का पाइप बचा था उसको भी ऊपर के एक और से लगा कर ये हमारा कुछ इस तरह रेडी है। फिर अभी इसको उठा कर गाइस ये टी जो दिख रहे वो टी में आपको दोनों साइड से बराबर सेंटर में लगा देना है, और इस तरह आपका फ्रेम रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अभी जो अंदर का फिटिंग है वो करना पड़ेगा हमें। तो सिंगल पाइप लगाकर बना, या आप चाहे तो टनल जैसा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसा भी बनाकर दिखाऊंगा। देखिए ये 12 वोल्ट का पंप है, इसके ये वायर्स, अभी इस पंप को भी हमें फिटिंग करना है। तो ये नोज़ल है गाइस, ये नोज़ल को पीछे की साइड से कट करना है। तो सेम कुछ इस नोज़ल को हमने कट करके जो छोटी पाइप 6 mm की पाइप यूज़ करके यहाँ पर यमसील से इसे फिटिंग करना है। उसके बाद जो है गाइस यही जो सामने का आपको दिख रहा है वो कट करके इसे बनाया है, इसे भी यमसील से लगाकर जो आरओ फिल्टर का पाइप आता है गाइस वो पाइप को यमसील से कनेक्ट किया है। ऐसे आपको 2 बनाना है, और ये जो आरओ का टी और आरओ का पाइप है गाइस, ये टी जो है इसमें आपका नोज़ल आराम से फिटिंग हो जाएगा, बस आपको ऊपर से प्रेस करना है इसे, देख सकते कुछ इस तरह। और जो एक बाल्टी ली गाइस उसका ढक्कन निकल के मोटर ढक्कन के ऊपर फिटिंग करना है गाइस। तो जो छोटा वाला ढक्कन था उसे निकाल कर उसे होल करना है गाइस, क्योंकि हमारे जो पंप का पाइप है गाइस वो पाइप हमारा ये बाल्टी के अंदर जाएगा, इसीलिए इसको होल करना पड़ेगा। तो ये ड्रिल मशीन भी मैंने घर पे बनाई, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बनाना है तो आप वीडियो देख सकते हो। मोटर के फिटिंग के लिए भी यहाँ पे ड्रिल कर दिया है गाइस, अभी मोटर को भी यहाँ पे जगह पर फिटिंग करेंगे, और ये नट लगाकर उसे नट बोल्ट से कस लेंगे गाइस, और जो हमारा पाइप है वो अंदर जाएगा बाल्टी के अंदर, देख सकते हैं। अब इसको अंदर ही रन देना है। अभी जो हमारे नोज़ल है वो हमें फ्रेम में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपके हाइट आपको देख लेना है, कहाँ पे फिटिंग करना है तो देख ले।
पाइप आरओ का पाइप इस पाइप में लगाकर जो हमारा टी है वो आरओ या पे आरओ के पाइप को फिट होगा कुछ इस तरह। दोनों साइड से आरओ के पाइप लगाना है और टी की जो एक साइड बचे वहाँ पे हमारा नोजल जो है बस प्रेस करना है आपको, वहाँ पे वो फिटिंग हो जाएगा। देखिए सेम कुछ दोनों टी को ऐसा ही करना है आपको और एक पाइप लगाकर पाइप को जो हमारा नोजल है वो फिटिंग होगा कुछ इस तरह देख सकते हैं आप। और इस नोजल को अभी पाइप के साथ ऊपर फ्रेम में फिटिंग करना है। नेक्स्ट वीडियो में सेंसर यूज करके इसे बनाएंगे वो भी सस्ते से सस्ता। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो लास्ट पाइप का मुंह बचा है गाइस वहाँ पे हमें नोजल फिटिंग करना है। तो पाइप लगाकर नोजल को भी वहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं। देखिए फिटिंग कर दिया अभी, यहाँ पे उसे तार से बांध लेंगे जो हमारा पंप है तो उसे 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो हम अडप्टर की मदद से उसे सप्लाई देंगे 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये अडप्टर है गाइस। देखिए गाइज पूरे नोजल फिटिंग कर दिए, हमारा सेटअप रेडी है। तो चलिए इसे अभी टेस्ट करते तो बहुत ही पावरफुल मिलेगा गाइज हमें। देखिए क्या प्रेशर मिल रहा है, मतलब जो 4 नोजल हमें इसे एक मोटर पर यूज किए तो देखिए इतना प्रेशर अभी मिल रहा है आपको। तो आप इस नोजल की जगह दूसरे नोजल भी यूज कर सकते हो। इस सिस्टम से आपके कपड़ों पर एक भी वायरस नहीं बचेगा। देखिए पावरफुल ही इतना प्रेशर मिलेगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए।